ओके श्रीचंद्र सुंदरानी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में बदलापुर की राजनीति चल रही है, दंतेवाड़ा चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह आज बीजेपी का चेहरा है, इसलिए कांग्रेस उनके चेहरे को ही टारगेट कर रही है। श्रीचंद्र सुंदरानी ने नान घोटाले के आरोपी चिंतामणि चंद्राकर के कोर्ट में दिए गए हलफनामे को लेकर भी प्रदेश सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि चिंतामणि चंद्राकर ने हलफनामा दिया है कि किस तरह से गिरफ्तारी की गई और डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ बयान देने के लिए भी डराया धमकाया गया। और किसी एफिडेविट को भट्ट भी 4 साल जेल में का उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक, उनको गिरफ्तार करा के जिस प्रकार से प्रताड़ित करने की बात उस हलफनामे के माध्यम से सामने आई है और किस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ उनसे कहलवाने की कोशिश की जा रही थी।